रतलाम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पिछले एक महीने से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ओल्ड गुरुग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोग से वोट की अपील की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास के नाम पर इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम की दशा और दिशा बदलने का काम भारत की सरकार ने किया। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से जोड़ने के लिए मेट्रो की आधारशिला रखी थी, जिसका काम जल्द शुरू होगा। और इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने तमाम विरोधियों पर भी निशाना साधा। हालांकि हमने ये इलेक्शन के अंदर प्रचार करते हुए महीना हो गया है, तो इतना लंबे अरसे के अंदर लोग थक जाते हैं, गर्मी भी ज्यादा हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा था कि भी जोश लोगों का कम होगा, संख्या लोगों की कम होगी, लेकिन रोज आना मैं जो देख रहा हूं, अगला दिन पहले से बेहतर हो गुजरता है। इस तरह से समर्थन और प्यार मेरे को हर वर्ग का मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये लोग अपना मेरे को समझ करके और मेरे पक्ष में और मेरी पार्टी के पक्ष में वोट डालें।